आपकी 12 सालों से या 10 सालों से ना वेतन वृद्धि नहीं हुई है, मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत खराब है, पर उन्होंने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वो हमसे मिलने नहीं आए। यहाँ वोट की राजनीति हो रही है, बैठे रहेंगे, प्राण त्याग यही करेंगे। कल मुलाकात करने डिप्टी सीएम से गए तेजस्वी यादव से, लेकिन वहाँ वो नहीं आ पाए, और जरूरत करना पड़े तो हम लोग लाठी डंडे खाने को भी तैयार। जो हो इस बार आर या पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। खेल सकता मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक है। 13 दिनों से इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए। कल दिव्यांगता दिवस भी इन लोग यहीं पर मनाए। और कितना दिन बैठिएगा? ये हड़ताल जो है हम लोग का अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार से हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और नई नई रणनीतियों के साथ भी हमें चलना है। केवल यहाँ बैठ करके हम लोग धरना देने नहीं आए, हम करना क्या, बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम लोग जनता दरबार जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। विधानसभा में जाकर क्या कीजिएगा? विधानसभा में जाके अपनी बातों को तो रखेंगे ना। विधानसभा में आप कैसे जाइएगा? किन्हीं के विधानसभा से में जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे ना, विपक्ष के नेताओं को हम संबोधित करेंगे ना, अपनी बातों को उनको बताएंगे ना कि केवल हम लोगों को शोषण किया गया है सरकार के माध्यम से। परियोजनाओं पर जो हमारे बिहार शिक्षा परियोजना के जो अधिकारी बड़े बड़े लोग हैं उनके माध्यम से कैसे शोषण किया गया बताइए कि 12 सालों से या 10 सालों से ना वेतन वृद्धि नहीं हुई है, मानदेय वृद्धि नहीं हुई है 10-12 सालों से, और उसी साल से अब महंगाई कितनी बढ़ी है उस हिसाब से आपने क्या बढ़ाया है? हम लोगों को कुछ नहीं बढ़ाया, जबकि कामों का हम लोग वर्णन यदि करेंगे तो कार्य वैसे उपेक्षित बच्चों के पास हम लोग जाते हैं जिसके अभिभावक खुद उन बच्चों को उपेक्षित समझता है, और उन बच्चों को मैं सापेक्ष बनाने के लिए विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ते हैं, शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ते हैं, नामांकन कराते हैं, उन बच्चों के घर में जा करके पढ़ाते हैं जिसकी आँखें नहीं है, जो बच्चा मंदबुद्धि का है, जो बच्चा गूंगा बहरा बच्चा है, मतलब उन लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया है और आज भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को जबरदस्ती, एक तरह से मैं जबरदस्ती कहूँगा कि हम लोग को यहाँ बैठने पर मजबूर की है, रोड पर मजबूर की है। कोई मिलने आया? 13 दिन हो चुका है। अगर उनको शिक्षा व्यवस्था की चिंता अगर होती दिव्यांग बच्चों की, सामान्य बच्चों की, तो आप व्यवस्था कर रहे हैं कि निरीक्षण करवा रहे हैं? पहले तो तेजस्वी यादव गए थे विकलांगता दिवस मनाने। कहाँ गए थे? नहीं आए। जब हम वहाँ पे गए थे? नहीं गए, नहीं गए थे, नहीं गए थे। मेमोरियल हॉल में हम लोग गए थे, पर उप मुख्यमंत्री जी नहीं आए। उपमंत्री जी, पता चला कि उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत खराब है, हम लोग अपनी रणनीति बना के उनसे मिलने ही गए थे, पर उन्होंने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वो हमसे मिलने नहीं आए। उन लोगों को अगर दिव्यांग बच्चों को प्रति अगर कोई भी समर्पण होता, ये लोग स्पीच देते हैं बड़े बड़े चैनलों पे कि हम दिव्यांगों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिव्यांगों के शिक्षक जो यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं उनके लिए इन्होंने समय नहीं निकाला क्या? हम लोग उनको विज्ञापन दे रहे हैं, उनको सारी चीज़ें देने के बावजूद भी वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार बड़े बड़े लुभावने ऑफर देती है कि दिव्यांगों के लिए कर, हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो। वो करना चाहेंगे, हमारे साथ 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख अभिभावक, उनके 4 लाख वोटे हैं हम लोगों के हाथ में हैं, अगर उससे भी ज़्यादा, मतलब एक बच्चा और एक माँ बाप, 3 लोगों का हम लोग लेते हैं तो 5 लाख वोटे तो हम लोगों के हाथ में हैं, और इससे क्यों नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? जब वो हमारा हाथ पैर काट रहे हैं तो हम उनका क्यों नहीं काटेंगे? जो हमारे अधिकारों को काट रहे हैं, हमारे परिवार का शोषण हो रहा है, तो हम भी उनको उनके अधिकारों का शोषण जरूर करेंगे, निश्चित। वोट काटने की बात आप लोग कह रही है? बिल्कुल काटेंगे को वोट, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ वोट की राजनीति हो रही है। जिस तरह से उन्होंने अपनी संवेदना दिखा रहा है कि हाँ वो संवेदनशील है ही नहीं इन बच्चों के प्रति, दिव्यांग बच्चों के प्रति, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि दिव्यांग बच्चे को एक अक्षर सिखाने में हम लोगों को कितने दिन लग जाते हैं, और आज हम लोग 14 दिन हो गया हम लोग उन बच्चों को, मतलब कि आधा महीना हम लोग का गुजर गया, एक बच्चे कुछ सिखाते हैं तो हम लोग को महीनों लग जाते हैं,
और उनको भूलने में बिल्कुल उम्मीद तो है कि होगी, हमारी डिमांडें पूरी होगी, लेकिन यही है कि अब लगता है कि घी हम लोग को टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल 14 दिन से बैठे हैं, कोई मुलाकात करने आया? कोई अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में है, या तो हमारा सामंजन हो, नहीं तो जब तक सामंजन नहीं होगा हम लोग यहाँ धरना स्थल पे यहीं बैठे रहेंगे, प्राण त्याग यहीं करेंगे। सरकार से जिस स्थिति से जैसे सरकार सुनेगी बात तो वहाँ तक सुनाना है, चाहे हमारे विभिन्न साथियों ने जो बताया और हमारे संघ इस पर रणनीति तैयार कर रही है, जिस रणनीति सरकार को हमारी बात सुननी होगी, इसलिए कि हम लोगों ने 17 वर्ष से अपने खून परिश्रम से दिव्यांग बच्चों को हम लोगों ने पुनर्वासित किया है। उम्मीद तो आशा तो हर इंसान को है, उसके साथ मेरा भी आशा है सरकार से, कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी अनसुना कर रही है, परियोजना गद्दारी कर रही है। पिछले साल भी हम लोग ने यहाँ धरना पे बैठे हुए थे, उसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से हम लोगों को लिखित आश्वासन आया था, जिस पर बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक ने प्राथमिक डायरेक्टर को सामंजन हेतु अपनी अनुशंसा भी भेजी और वो प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास जाके वो पत्र, वो संचिका कहीं धूल चाट रही है। वर्तमान अपर शिक्षा सचिव को भी इस पर संज्ञान लेने का मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस बात को, ये अगर मेरा निवेदन स्वीकार करें और उस संचिका को अपने। कितना उम्मीद है ये बताइए? हम लोगों को 100% उम्मीद है, हम उम्मीदों के सहारे ही बैठे हैं। हम महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए शांतिपूर्ण ढंग से बातें नहीं मानी गई तो हम लोग मनवाएंगे, और लोकतंत्र में हमें जितने भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उन सारे संवैधानिक अधिकारों को हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग कीजिएगा। चलिए देखिए, कुछ महिला शिक्षिका भी है, 14 दिन से आप लोग बैठी हैं, कोई मुलाकात करने भी नहीं आया? कोई मुलाकात करने नहीं गया आया है, हम लोग कल मुलाकात करने DTCM से गए तेजस्वी यादव से, लेकिन वहाँ वो नहीं आ पाए और बहुत निराशा हुई, लेकिन हम लोग को पूर्व निशक्ता आयोग से भेंट हुई और वो यहाँ आके हम लोग को उत्साहित भी किए। तेजस्वी यादव बात सुनेंगे? अभी मुलाकात ही नहीं हुई तो क्या है, उम्मीद उम्मीद है, अब क्या 100% उम्मीद है, अभी मिले नहीं है, लेकिन मिलेंगे तो जरूर हम लोग की बातों को सुनेंगे और इस पे कार्य आगे होगा। कितना उम्मीद है ये बताइए? उम्मीद तो पूरी है, घेरने की बात तो कही जा रही है। हाँ बिल्कुल घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे हम लोग, बहुत आमरण अनशन भी करेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे और जरूरत करना पड़े तो हम लोग लाठी डंडे खाने को भी तैयार, लाठी डंडे भी खाइए, बिल्कुल खाने को तैयार है। आप हम लोग को अपना आंदोलन लाठी डंडे खाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, आप में सम्मान का हम लोग का चोट पहुंच रहा है डेली, तो वो लाठी डंडा से कम नहीं है, लाठी डंडा भी खाने को तैयार है, तैयार है, एकदम तैयार है, आत्मदाह भी कर लेंगे, जब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। इस बार हमने ठान लाठी डंडे के लिए तैयार है, बिल्कुल हम लोग ठान के ही आए हैं कि जो हो इस बार आर या पार। चलिए देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले ये सभी लोग शिक्षक है। आपको बता दें कि बीते 13 दिनों से ये लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर समंजन की मांग को लेकर बैठे और कल दिव्यांगता दिवस भी इन लोगों ने यहीं पर मनाया। अब इनका साफ साफ कहना है कि इस बार हम लोग आर पार के मूड पे आए हैं और इस बार कुछ भी हो जाए अपना जो हक है, जो समंजन होने की बात है वो हम लोग लेकर ही जाएंगे। उनका साफ साफ कहना है कि लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, विधानसभा का घेराव करना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन इस बार जो हक है वो लेकर यहाँ से जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक खत्म।